भावना सचिन राइट जानवी दिव्यांशा ऑल साक्षी मुझे नीरज हाँ so, बहुत बढ़िया कोई मुझे बता सकता है कि अभी भी अभी सी एम रजिस्ट्रेशन के लिए करा सकता है अच्छा ठीक है तो ये तो कोई ही बताएगा ऑल राइट यस विशाल प्रजापति गीतांजलि शर्मा एम शेखर जानवी हरियाणी थ्री शीतल मलिक उत्कर्ष मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में गुड इवनिंग टूच एंड एवरी वन ऑफ यू बहुत ही अमेजिंग और धासु क्लास होने वाली है आज की हम लोग कर रहे हैं सप्लाई एंड जीएसटी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं आप, है, आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं सो दिस इज मी टुडे वी आर डूइंग द थर्ड लेक्चर ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी ये मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास लिखी हुई है ये मेरा शेड्यूल है मैं सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को नवंबर ट्वेंटी के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के लिए इसी चैनल पर थर्सडे uh, फ्राइडे और सैटरडे शाम को चार बजे लाइव आता हूँ

डायरेक्ट टैक्स का बैच चल रहा है मे के ट्वेंटी के रोज सुबह तो इस प्लस बैच में जो भी मैं नोट्स देता हूं जो भी मैं गूगल ड्राइव का आप लोगों को लिंक देता हूं उस गूगल ड्राइव के लिंक में नोट्स वगैरह आपके पास सब अपलोडेड होते हैं राइट तो जितना जीएसटी में आज पढ़ाने वाला हूं वो वाले नोट्स में अपलोड कर चुका हूं ऑल दो गूगल ड्राइव पे आप लोगों को वही दिखाई देगा सप्लाई अंडर जीएसटी पार्ट वन तो वो पार्ट वन वाली फाइल जो कल अपलोड की थी उसको मैंने ये वाली रिप्लेस कर दी है अभी भी क्योंकि पूरे नहीं है इसलिए उसका पार्ट वन ही नाम दिया हुआ है जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही नोट्स भी पूरे के पूरे अपलोड हो जाएंगे बट जितना आज पढ़ना है उतना तक अपडेटेड नोट्स आप लोगों के पास गूगल ड्राइव पे है आई रिपीट आप लोगों को गूगल ड्राइव में दिख भले ही उतना रहा होगा सप्लाई अंडर जीएससी पार्ट वन लेकिन आप लो, आप लोग लोग जब उसको डाउनलोड करके देखोगे तो वो अपडेटेड नोट्स हैं कल वाली क्लास के बाद आज वाली क्लास में जो जो भी हम लोग पढ़ने वाले वो सारे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोगों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो सब्सक्रिप्शन लेके आप ये प्लस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं प्लस वाले बैच के अंदर मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करता हूं वहां से नोट्स एक्सेसिबल हो जाते हैं

and we are moving slow why we are moving slow because it's very important for you to grasp all these concepts right

7 1A, 7 2, 7 3, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा ठीक है लेकिन इसका सिर्फ यही होगा कि आपको repeat करते रहना है, जैसे जैसे मैं बता रहा वैसे-वैसे आपको रिपीट करते रहना है ठीक ठीक है? है? और उसका रीजन है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी तो बहुत जरूरी है और अगर आप बस ही रिकॉल करते रहोगे ना अपने मन में बस रिकॉल करते रहो जैसे मैं बोल रहा हूं ना आज मैंने सुबह प्लस की क्लास में एक बड़ी सही चीज बताई थी मैंने कहा था कि जैसे मैं रिवाइज करवाता हूं ना आपको आप अपने फोन में अपनी ऑडियो समरी रिकॉर्ड करो ठीक है, जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं मैं अभी पूरा आपको जितना हम लोगों ने कल तक पढ़ा था ना उतना मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ पार्ट्स होते हैं उन तीन पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं पहला पार्ट कहता है सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज लाइसेंस डिस्पोजल मेड और अग्री टू बी मेड पर्सन फॉर अंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पार्ट बी क्या कहता है उसका इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अंसिडरेशन विद और

तीसरा क्या होता था प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में बड़ा आसान होगा और धीरे धीरे चीजें आप लोगों को याद होती रहेंगी ठीक है तो ये मैंने आपको बताई दिया एनी anyway, वे तो शेड्यूल वन के बारे में अभी हम लोग बाद में जाएंगे सेवन वन ए क्या कहता था सेवन वन ए कहता था कि एक शेड्यूल टू होता है शेड्यूल टू बताते हैं कि कौन सी सप्लाई को आपको सप्लाई ऑफ़ गुड्स मानना है और कौन सी सप्लाई को आपको सप्लाई सिर्फ सिर्फ पहली क्लास में हमने किया था कल वाली क्लास में हमने सेक्शन सेवन वन बी और सेवन वन सी कंप्लीट किया था ठीक है सेवन वन बी तो आसान था सेवन वन सी सेवन वन सी का जो शेड्यूल वन था उसमें चार एक्टिविटीज थी चौथी एक्टिविटी वो थी ना इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाली ठीक है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम लोगों को सेवन सी शेड्यूल वन प्लस सेवन वन बी दोनों दोनों तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था दोनों तरीके से हम लोगों को सोचना था ठीक है तो इस तरह से अगर आप अपने लिए ऑडियो समरी बना बना के अपनी आवाज में रिकॉर्ड करोगे और जैसे सुबह उठते ही चला लिया या कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सुन लिया तो आपकी आवाज में अगर वो रिकॉर्डेड रहेगा तो उससे दो फायदे होंगे पहला जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग काम करेगा ठीक है मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज को आप रिकॉर्ड करके सुनते रहो उससे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा आप अगर अपना दिमाग काम में लगवाना चाहते हो तो आपको खुद से बोलकर ये ऑडियो समरीज बनानी होगी इट आउट इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग ठीक है तो अपने लिए ऑडियो समरीज आप बनाइए ठीक चलो तो सेक्शन सेवन वन के बारे में हम लोगों ने बात की कि कुछ एक्टिविटीज को कहा जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कुछ एक्टिविटीज को कहा जाएगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो शेड्यूल टू बताएगा उसके बाद सेक्शन सेवन जो कह रहा है उसको कह लेने दो ठीक है एक शेड्यूल थ्री है शेड्यूल थ्री बताएगा कि कौन कौन सी सप्लाईज को ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे ठीक है और दूसरी चीज इसमें थी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी भी गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा फिर हमने सेक्शन सेवन थ्री के बारे में बात की थी सेक्शन सेवन थ्री था कि पावर हमारे पास है कि कल को चलकर अगर कहीं पर कोई और डिस्प्यूट होता है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है तो हम उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे हम बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ये जारी कर देंगे कि आज से ये वाली जो सर्विस है ये वाली जो सप्लाई है इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है उसके बाद हम लोगों ने बहुत डीप एनालिसिस किया था सब चीजों का और आज हम लोगों को जो एनालिसिस करना है ये सब तो हो गया था ये सब भी हो गया था वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत बढ़िया कल क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तक कर लिया था ना हमने भाई साहब बहुत कुछ कर लिया हमने ठीक है? Right. हम है ठीक है आज से हम लोगों को करना है एनालिसिस ऑफ सेक्शन ठीक है आज से हम लोगों को करना है एनालिसिस ऑफ सेक्शन क्या कहता था मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि शेड्यूल टू में कुछ ऐसी एक्टिविटीज है शेड्यूल टू होता है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है जिनको सरकार ने कहा हुआ है कि इस वाली एक्टिविटी को आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है

आपका दिल साफ है आप बच्चे हो ठीक है लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते रहते हैं ना जैसे जैसे लोग बिजनेस करते रहते हैं वो टैक्स इवेड करने की कोशिश करते रहते हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से हम बच जाए किस तरह से हमें कम टैक्स देना पड़े मैं आपको एग्जाम्पल दू फिज यू मी आपी फिज एक बेवरेज है या आपी फिज एक फ्रूट जूस है यू मी अपने दिल से पूछकर जवाब दो ठीक है आपी फिज एक बेवरेज है बेवरेज का मतलब कोई भी ड्रिंक या आपी फिज एक, एक फ्रूट जूस है अपने दिल से पूछकर मुझे जवाब दो दिल से जवाब देना दिल से जवाब देना दिल से जवाब देना बेवरेज सब लोग कह रहे हैं बेवरेज एप्पी फिज़ के मेकर्स ने कहा नहीं है ये तो फ्रूट जूस है एप्पी फिज़ के मेकर्स ने कहा ये तो फ्रूट जूस है ठीक है क्यों क्योंकि फ्रूट जूसेस पर जो टैक्स रेट था वो कम था बेवरेजेस पर जो टैक्स रेट था वो ज्यादा था एप्पी फिज़ वालों को लगा कि अगर हम इसको बेवरेज बोलेंगे तो टैक्स रेट ज्यादा लग जाएगा तो इसको फ्रूट जूस बोल देते हैं दिल से पूछो कभी सेब का जूस अगर आपके घर पे आपके दादाजी मांगे कभी आपके दादाजी या कभी आपके पापा अगर आपकी मम्मी से कहें कि एप्पल का जूस निकाल दो तो क्या आप उन्हें आपकी फिस्ट पकड़ा सकते हो वोट यू बी असोल्टेड विद फ्लाइंग चप्पल आप कहिए लीजिए सेब का जूस है पीजिए खून साफ होगा नहीं ना तो ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं जल्दी बताओ ऐसी ऐसी इतनी सारी चीजें होती हैं ना जो छोटी छोटी, छोटी चीजें होती हैं छोटी छोटी चीजें होती हैं ठीक है उसमें जो लोग होते हैं आपके और मेरे जैसे जो लोग होते हैं उसमें अननेसेसरीली कॉम्प्लीकेशन क्रिएट करते हैं ठीक है अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं क्यों टैक्स को बचाने के लिए टैक्स को इवेड करने के लिए ठीक है एक बात बताओ आइसक्रीम है आइसक्रीम ठीक है जो सॉफ्टी होती है सॉफ्टी खाई होगी सबने कौन के अंदर आइसक्रीम रहती है ठीक है आइसक्रीम कंपनी कहती है ये आइसक्रीम नहीं है ये तो डेरी प्रोडक्ट है ये तो डेयरी प्रोडक्ट है क्योंकि डेरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स का रेट कम आइसक्रीम पर टैक्स का रेट ज्यादा तो आइसक्रीम कंपनीज ने टैक्स बचाने के चक्कर में बोला कि ये तो डेरी प्रोडक्ट है हमारा हमारी आइसक्रीम थोड़ी है मामले कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं ये सारे ये छोटे छोटे मामले तक पहुंचे हुए कोर्ट बेचारी करेगी क्या यही ढूंढती रहेगी कि, कि सॉफ्टी जो है वो डेरी प्रोडक्ट है या आइसक्रीम है यही करती रहेगी कोर्ट ठीक है अब आप बताओ आप मेकडोनल्ड जाते हो और आइसक्रीम मांगते हो तो क्या कहते हो डेरी प्रोडक्ट दीजिए नहीं ना तो ये सारी चीजें हो जाती हैं यहां पर ठीक है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें एनालिसिस ऑफ सेक्शन ए में इसमें क्या है एक शेड्यूल टू है शेड्यूल टू में कई कई सारी एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज को देखकर आप खुद समझ जाओगे कि ये एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है आप अपने आप समझ जाओगे आपको लगेगा कि क्या यार इतनी टुच्ची सी बात के लिए इतना बड़ा सा शेड्यूल बना दिया आपको ऐसा दिल से लगेगा ठीक है आपको वाकई ऐसा दिल से लगेगा लेकिन अभी आप देखना खुद देखते ही सब समझ जाओगे यार यार ये तो ये है ये तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक activities एज पर सेक्शन सेवन वन ए वे सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन सप्लाई प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवन वन दे शाल बी ट्रीटेड of goods ऑफ गुड्स और supply ऑफ सर्विस एज रेफर टू इन शेड्यूल टू ठीक है सेक्शन सेवन वन ए क्लासीफाइड सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन सलाई आई सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल टू टू दीजीएस एक्ट कंटेन्स एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विच आर बी क्लासफाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर अर्लियर टैक्स रेजीम अब सुनना कल मैंने आपको जैसे बताया था कि रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट है ठीक है एसी रेस्टोरेंट है चाहे नॉन एसी हो क्या फर्क पड़ता है रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो या आपकी प्लेट में कुछ ना कुछ रखा हुआ है ठीक है अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या ये सप्लाई ऑफ फूड है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या ये सप्लाई ऑफ फूड है ठीक है अब मैं आपको बताता हूं वो दो अलग अलग गवर्नमेंट थी पहले एक थी सर्विस टैक्स जो एक सरकार थी जो सर्विस टैक्स लेती थी एक सरकार थी जो वैट लेती थी सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास ठीक है सर्विस टैक्स जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वैट जाता था न, स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों सरकारें लड़ पड़ी अगर इसको सप्लाई ऑफ फूड मान लिया जाए सेलिंग ऑफ फूड मान लिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू की ऐसी तैसी और अगर इसको प्रोविजन ऑफ सर्विस मान लिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू की ऐसी की तैसी तो कुछ कुछ केसेस जेन्युन रीजंस भी थे मतलब यहां पर रेस्टोरेंट में देखिए तो आप भी एक सेकंड के लिए सोचोगे कि हाँ यार फूड तो दिया जा रहा है सर्विस भी दी जा रही है तो कुछ कुछ चीजों में जरूरत थी कुछ कुछ चीजों को तो देख के आपको भी लगेगा कि हाँ यार पता नहीं है अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको सर्विस करना है या इसको गुड्स करना है ठीक है कुछ कुछ चीजों को देख के आपके दिमाग में चीजें आएंगी तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन आए वेरी गुड लेकिन मैक्सिमम चीजें इतनी लॉ बनाने की जरूरत थी मतलब आप सोचो चलिए शुरू करते हैं अंडर अर्लियर टैक्स रेजीम द रेस्टोरेंट बोथ सर्विस टैक्स एंड ऑन वैल्यू ऑफ द फूड सर्व दिस बिकॉज बोथ सेविस इन एंड फोर टैक्सेबल बोथ स्टैचूट रिस्पेक्टेड लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर्ड अंडर जीएसटी द सप्लाई बाई रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है अभी हम लोग कल कल नहीं परसों बात करेंगे ठीक है कॉम्पोजिट सप्लाई वही वाली सप्लाई होती है एक ऐसी सप्लाई जिसमें थोड़ा सा गुड्स का पोर्शन है थोड़ा सा सर्विस का पोर्शन है दैट इज नोन एज कॉम्पोजिट सप्लाई ठीक है तो कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में हम लोग परसों बात करेंगे सिंस फूड एंड सर्विसेज इज नेचुर बंडल्ड इन ऑर्डिने कोर्स ऑफ बिजनेस तो यहां पर जीएसटी लॉ में बोल दिया गया कि इसको हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे इसमें कैसे वो हम बाद में देखेंगे Further, 6B बात यहां पर सिक्स बी ऑफ शेड्यूल टू शेड्यूल टू में अभी हम आएंगे. 2 के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात ही नहीं किया लेकिन एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी और अभी क्या किया जैसे ये वाली है. वाली को करने के लिए क्या बोला गया कि हाँ भाई ये तो सप्लाई है ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते मतलब अगर आपका एक रेस्टोरेंट है जहां पर आप गेस्ट को बैठाकर खाना खिला रहे हो तब तो आप खाना भी खिला रहे हो तो वो सेलिंग ऑफ फूड हो गया और आप खुद से खिला रहे हो अपने मतलब अपने आप अप सर्व वगैरह कर रहे हो तो वो सर्विस भी होगी प्रोविजन ऑफ सर्विस भी हो गया तो इसलिए इसको कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा और शेड्यूल टू के पैरा पैरासिक्स बी के अंदर ये साफ साफ बोल दिया गया है कि कॉम्पोजिट सप्लाई आर ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस बात खत्म डिस्प्यूट रिजोल्ड

शेड्यूल टू पैरा वन आराम से सुनते हैं ना एक एक चीज आराम आराम से करेंगे और जैसा पिछली दो तीन क्लासेस में चार क्लासेस में आप लोग देख ही चुके हो हम लोग एक एक चीज को बहुत आराम से करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे वो चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए ठीक है एग्जैक्टली वही टेक्निक हम लोग यहां पर भी यूज करने जा रहे हैं शेड्यूल टू पैरा वन देखना पैरा वन क्या कहता है पैरा वन टॉक्स अबाउट ट्रांसफर पैरा वन टॉक्स अबाउट ट्रांसफर सुनना मेरी बात Any of title in goods. अगर आप गुड्स का देता हूं अगर मैं आपको ये किताब बेच देता हूं तो इस किताब का जो टाइटल है ओनरशिप ठीक है यहां पर टाइटल का मतलब ओनरशिप टाइटल का मतलब नहीं कि किताब का नाम क्या है? ठीक है टाइटल का मतलब यहां पर ओनरशिप तो मैंने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी अगर मैंने आपको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की तो वॉट इज इज दिसमस्टर ऑफ सर्विस नो दिस इज ऑफ ऑफ गुड्स क्या लिखने की जरूरत थी यहां पर नहीं फालतू टाइम वेस्ट नेक्स्ट एनी ट्रांसफर राइट इन गुड्स राइट हक इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ मतलब मैंने आपको कहा कि ये किताब ले जाओ मैंने आपको कहा ये किताब ले जाओ आप ठीक है और इस किताब को पढ़ के मेरे को वापस दे देना

एक अग्रीमेंट हुआ है मैंने कहा कि अच्छा तुम मुझे एक हजार रुपए दो मैं ये किताब तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा जब तुम मुझे एक हजार रुपए दोगे तब मैं ये किताब तुम्हें दे दूंगा तब तुम ये किताब रखना जब तुम मुझे ये एक हजार रुपए दोगे तब मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगा एक फ्यूचर डेट पे मैंने आपसे अग्रीमेंट किया आज मैंने अग्रीमेंट किया कि मैं आपको इस किताब का टाइटल पास ऑन कर दूंगा एट अ फ्यूचर डेट अगर आप आप मुझे मुझे उसका उसका जब जब भी आप मुझे उसका दोगे क्या है सर्विस दे रहा हूं आपको नहीं ना किताब बेचने का ही अग्रीमेंट है ना बेचने की बात हो रही है सप्लाई ऑफ गुड्स क्या इसमें कुछ लिखने की जरूरत थी क्या इसमें ये सब कुछ मतलब आपको नहीं लग रहा कि पैरा वन इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम आपको नहीं लग रहा पैरावन इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप सामान बेच रहे हो तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे अगर आपको हम अपना सामान यूज करने की परमिशन दे रहे हैं तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं हम आपको अपना सामान किसी फ्यूचर डेट पर बेच देंगे तब आपको हमको अगर पैसा दोगे तब हम आपको बेच देंगे तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स के अबे तो पता है ना हमें अननेसेसरी ठीक है चलो एनीवे वे आज क्वेश्चन

और जैसे ही फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर दी एसेट की एसेट की ओनरशिप आपकी हायर परचेज यही होता है ना कि किराए पर आपने खरीद लिया किराए पर कैसे खरीदा कि आप मेरा एसेट यूज करो मेरा एसेट यूज करो मुझे कॉस्ट की इंस्टॉलमेंट्स देते रहो जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स खत्म होंगी तुरंत ओनरशिप आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी तो सेल ही तो है ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये ठीक है ठीके? any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is considered as a supply of services as per para 1 of schedule 2. in the present case since the goods are being supplied on higher purchase basis it will be treated as a supply of services simple para 1 done. optima manufacturers supplies toys to retailers on sale or return basis is this a supply of goods or supply of services the सेल और सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस वाला है ठीक है हमने आपको गुड्स भेजे हमने आपको गुड्स भेजे आप देख लीजिए अगर पसंद आ गए तो पैसा दे दीजिए जैसे ही आप पैसा देंगे आप अप्रूव कर देंगे ये माल आपका हो जाएगा तो एक फ्यूचर डेट पर माल आपका हो रहा है ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स

when the property of goods will be transferred to Mr. Y. Is this a supply of goods or supply of services? क्या हुआ? Mr. X ने Mr. Y को कुछ सामान दिया और कहा आप use करो. एक महीने बाद आप इसका payment दे देना. Use the goods provided. Mr. Y pays for the goods at the end of one month. एक महीने बाद आप इसका payment दे देना. जैसे ही आप एक महीने बाद payment दे दोगे, property of goods will be transferred to you. ठीक है, property of goods will be transferred to you. Clearly sale of goods है ना ये? सप्लाई ऑफ गुड्स है अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या ए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ।, जाओ। यहां पर गुड्स होगा मैं बोल सही रहा हूं लिखा गलत है ठीक है हायर परचेज पे अगर आपने किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ठीक है हायर परचेज पे किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ठीक तो है थीके? और यहां पर भी अगर यह किया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि फ्यूचर डेट पे आएगा तो यह भी सप्लाई ऑफ गुड्स है यह भी सप्लाई ऑफ गुड्स है ठीक है तो हायर परचेज में अगर किया तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस तो और ये मिस्टर मिस्टर एक्स और वाई वाला हुआ तो भी सप्लाई गुड्स ठीक है पहले वाले में मैंने बोला सही था था लेकिन लिखा हुआ गलत था, तो उसको ठीक कर दिया पैरा टू बात करता है लैंड और बिल्डिंग के बारे में ठीक है शेड्यूल टू का पैरा टू बात करता है लैंड और बिल्डिंग के बारे में और देखना अगेन फालतू का पैरा एकदम फालतू का पैरा एनी ईज़मेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड फॉर एग्जाम्पल लीज अग्रीमेंट ऑफ अ लैंड को एक बात बताओपाई लैंड यहां पर पंगा पता ही क्या होता था यहां पंगा क्या है कि लीज में लीज में मैंने आपको क्या बताया था इनिशियली पहली क्लास में मैंने आपको लीज में बनाया था ना कि मान लिया जाता है फॉर द टाइमिंग के ओनर आप हो आप अपनी मर्जी से उसमें एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो ठीक है तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो सेल हो गई ये तो सेल हो गई तो सेल हो गई अरे लीज है ना यार नाम तो लीज है जमीन की एक सेल होती तो फिर अलग बनता ना लीज एग्रीमेंट थोड़ी बनता तब तो सेल डीड बनती मतलब कॉमन सेंस है यार अगर जमीन आप बेच रहे हो अगर जमीन आप खरीद रहे हो तो फिर आपके पास सेल डीड होती ना आप लीज एग्रीमेंट थोड़ी दिखाते हाउ केन यू से दैट आई एम दी ओनर ऑफ दिस लैंड बाई शोइंग लीज एग्रीमेंट यू डोंट है प्रॉपर प्रॉपर पेपर्स ऑफ द लैंड ठीक है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला गया है अगेन फालतू तो का पैरा है ठीक है है एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट ईजमेंट का मतलब होता किसी स्पेसिफिक के लिए लैंड को किराए पर लेना ईजमेंट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक के लिए लैंड को किराए पर लेना लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया ये दूसरा देखो अब ये देखो एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली ठीक है अगर आप बिल्डिंग को रेंट पर देते हो एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग बिल्डिंग या तो आप आप को रेंट पर देते हो आउट का क्या मतलब होता है रेंट पर देना ठीक है और लीज का मतलब बिल्डिंग की आपने लीज दे दी बिल्डिंग को आपने लीज पे दे दिया ठीक है तो लीज पर देने से सामने वाला बंदा ओनर थोड़ी बन जाता है ठीक है अगर ओनर बनवाना था तो बिल्डिंग बेचते ना तो ये भी क्या होगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगेन फालतू की चीज है ठीक है थर्ड पैरा 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 खत्म में कुछ और है ही नहीं ठीक है पैरा थ्री देखो ट्रीटमेंट और प्रोसेस अगेन बेवकूफी का ही है अगेन बेवकूफी का मैं आपको बताता एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स मैं ये रिमोट लेकर जाता हूं एक शॉप पर मैं ये रिमोट लेकर जाता हूं शॉप पर मैं कहता हूं चल नहीं रहा है ठीक है शॉपकीपर पूरा खोलता बोलता है एक तार इसमें नया और कहता है मैंने आपको तार बेचा है अब बताओ मैंने आपका रिमोट रिपेयर नहीं किया है मैंने आपको रिपेयर की सर्विसेज नहीं दी है मैंने तो आपको तार बेचा है मैंने कहा तुम्हारे तार का क्या करें हम कहा डालें तार को इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें तार कहां तुम ही तो डाल दिए हो तो सर्विस ही तो प्रोवाइड किए हो आपको बात समझ में आ रही है ठीक है ये वाली चीज है तो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स किसी दूसरे के बंदे के सामान पर किसी दूसरे बंदे के सामान पर अगर आप कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो या कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे जोर से मेरे साथ बोल दो पैरा टू और थ्री भी फालतू के थे टाइम वेस्ट पैरा टू और थ्री भी टाइम वेस्ट ठीक है जैसे लॉन्ड्री जैसे डाइंग ठीक है जैसे क्या होता है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे पता है अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स होंगी तो आपको शायद पता हो शायद ना पता हो ठीक है ये लोग क्या करती हैं ये लोग कहीं से दोपट्टा उपट्टा खरीद लेती हैं या कहीं से कोई चुन्नी उन्नी खरीद लेती हैं ठीक है उसके बाद वो चुन्नी का कलर मैच कराना होता है सूट से वो जो चुन्नी होती है उसका कलर मैच कराना होता है सूट से मैचिंग चुन्नी मिलती नहीं है तो किसी भी कलर की चुन्नी ले लेती है उसके बाद उसको डाई करा लेती है सूट के मैचिंग कलर से मुझे पहली बार पता चला मैंने कहा माइंड ब्लोन मैंने कहा ऐसा ही सूट क्यों नहीं खरीद लेते जिसके साथ चुन्नी साथ में आए वो महंगा पड़ता है अच्छा ओके तो चुन्नी खरीदी ठीक है चुन्नी को सूट के साथ मैच करना था तो चुन्नी को डाई करवा लिया ठीक है अब जो, जो कराने वाला बंदा है, जिसने चुन्नी ली अपने पेंट में डाला निकाल दिया पीली हो गई ठीक है और वो क्या कह रहे हमने तो तुमको पेंट बेचा है पागल हो क्या तुमने पेंट थोड़ी बेचा है तुमने तो डाइंग सर्विसेज प्रोवाइड की है ना हमें ये वाली बात है ठीक है सिस्टर भी करती है सर आपने गर्लफ्रेंड क्यों बोला हाँ चलो सिस्टर भी होगी ठीक है सिस्टर भी होगी मेरी सिस्टर नहीं है ना मेरी कोई रियल सिस्टर है नहीं तो मेरे को ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं था ठीक है मम्मी ये सब करती है नहीं है तो इसलिए सिस्टर भी करती होगी आई एम वेरी सॉरी वन ठीक है चले अब आगे <coughs> चलो डाइज डाईज द्लोथ गिवन बाई शुभम टेक्सटाइल्स लिमिटेड ऑन जॉब वर्क बेसिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस हो गया एज पर पैरा थ्री ऑफ शेड्यूल टू एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस दिस इज क्लियरली अस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सिंपल अब आ जाओ पैरा फोर पे ठीक है पैरा टू भी डन पैरा थ्री भी डन पैरा फोर पे आते पैरा फोर है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इसमें मजा आएगा पैरा फोर है ठीक है? आपकी यह है बैलेंस शीट यह आपकी बैलेंस शीट आई होप आप सबको बैलेंस शीट दिखाई दे रही है यहां पर आते हैं आपके एसेट्स ठीक है इन एसेट्स में यहां पर आपको स्टॉक भी दिखाई देता है हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे ठीक है हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे आपकी बैलेंस शीट बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट साइड एसेट साइड में के अंदर हम लोग ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे ठीक देखो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय या अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोस एसेट्स ठीक है मतलब मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा स्टॉक था ठीक है मैंने किसी को डायरेक्शन दिया मैंने कहा इस स्टॉक को यहां से हटा दो इस स्टॉक को यहां से हटा दो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट हुआ जो हम लोगों ने कल बात की थी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स हुआ और उसमें भी किन एसेट्स का डिस्पोजल हुआ स्टॉक का डिस्पोजल हुआ तो क्या स्टॉक का डिस्पोजल सर्विस हो सकता है क्या मेरे मेरी किताबों की दुकान है ठीक है, हाउ केन आई स्टॉक ऑफ सर्विसन आई है स्टॉक ऑफ किसी ने, ने मुझसे कहा कि सर आपकी की क्लास चाहिए। मैंने अपने में से खोला मैंने कहा ये मैथ्स की क्लास ये लेके जाओ ठीक है अब तुम इसको चलाना एक होलोग्राम आएगा होलोग्राम में मैं रहूंगा और मैं पर्सनली तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें पर्सनली टैक्स पढ़ाऊंगा ऐसा होता है क्या नहीं ना

ठीक है मेरा बहुत मेरा सपना है कि मेरा कैफे हो जहां मैं जाऊं और मैगी खाऊं और सैंडविच खाऊं मैं तो रोज बोलता हूं चारू से यार एक ना सैंडविच शॉप खोलते हैं दो तीन टाइप के सैंडविचेस मैं बना लूंगा दस बारह टाइप के सैंडविचेस वो बना लेगी सिखा देंगे लोगों को लोग बना बना के स्विगी पर बेचते रहेंगे कितना बढ़िया आइडिया है ठीक है जब भी भूख लगे जाओ सैंडविच शॉप में खुद ही सैंडविच खा लो साथ में एक वो रैक भी रख लेंगे जहां पर चिप्स वगैरह भी हो ठीक है मुंह में पानी आ गया <laughs> बोलते बोलते समझाते समझाते मुंह में पानी आ गया ठीक एनी anyway, वे चलो अपनी भावनाओं में नहीं बहता हूं मैं यहाँ पर बात करता हूं आपके सामने रैक है रैक में चिप्स वगैरह रखे हुए ठीक है दुकान है मेरी राइट अब मैंने चिप्स उठाकर खुद खा लिए मैंने चिप्स उठाकर खुद खा लिए और मैं बोलू ये तो मैंने अपने आप को सर्विस दी है कॉमन सेंस लगाओ ना यार चिप्स मेरे बिजनेस एसेट्स का गुड्स है चिप्स जो है वो मेरे लिए गुड्स है ना स्टॉक है वो चिप्स अगर मैं खुद खा ले रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए या मेरा कोई दोस्त आया मैंने उसको चिप्स का पैकेट दे दिया ठीक है मेरे बिजनेस से तो चला गया तो क्या मैं अपने दोस्त को कोई सर्विस दे रहा हूं नहीं ना मैं अपने दोस्त को गुड सप्लाई कर रहा हूं ना तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे ये सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों मानेंगे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे रुक जाओ ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा और अगर ये सप्लाई और सर्विसेज मान लिया गया अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया गया तो हम मान लेंगे क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ चीजें आप लोगों को एकदम नेचुरल तरीके से लगेंगी एकदम नेचुरल है ठीक है कुछ कुछ चीजें आपको एकदम नेचुरल लगेंगी कि हाँ ये तो वही होना चाहिए लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं लगेंगी तो ये अनफॉर्चुनेटली उन कुछ चीजों में से एक है जो आपको नेचुरली नहीं लग रही है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए ठीक है इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखने से लगेगा कि यार गुड्स थे मैंने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना चाहिए ना ऐसी कौन सी सर्विस कौन सी दे दी मैंने आपको ऐसा लग सकता है ठीक है बाकी नाउ दैट यू नो इट्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज आप इसके पीछे का कोई भी लॉजिक बना लो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वंस यू नो द आंसर टू समथिंग आप उस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो ना ठीक है वंस यू नो द आंसर ऑफ समथिंग कि इसका आंसर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है आप इसको जस्टिफाई करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हो आर्गुमेंटेटिव प्रवृत्ति होती है हम सब लोगों की

फोर का क्लॉज बी शेड्यूल टू पैरा फोर बी ये हम लोगों को पहली कोई यूजफुल चीज दिखी है कि हाँ हमारे मन से थोड़ी अलग चीज आपने कही है तो इसको हम याद करेंगे गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसिड एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाई एनी पर्सन सीबल पर्सन शाल बी डीम टू बी सप्लाइड बाई हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ इसमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी ए टैक्सिबल पर्सन However, following are the two exceptions, ठीक है? इसका मैं आपको बताता हूं ये बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली उस चीज को कवर करने के लिए रखा हुआ है कि अगर आपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया अगर आपने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया ठीक है अब आपने अगर बिजनेस को वाइंड अप किया तो जो भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ था वो तो बेकार हो गया

तो अब इस गुड्स का क्या करें इन गुड्स का क्या करें तो जिस दिन बिजनेस आपने वाइंड तो है, इस पे कैसे लगेगा, वो बात की बात है. अच्छा इसके दो एक्सेप्शन है इसके दो एक्सेप्शन है सपोज में बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहा मैं किसी और को पास ऑन कर दे रहा हूं ठीक है मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहा मेरे मेरी चिप्स की दुकान है ठीक है और मैंने कहा यार ठीक है अब मैं नहीं चला रहा राइट मेरा कोई दोस्त आया मैंने उसको दे दिया मैंने कहा ना ये वाली चिप्स की दुकान तू चला तो फिर क्या बिजनेस को वाइंड आपने गुड्स तो तो खरीदे तब आपने आईटीसी अवेल तो कर लिया लेकिन क्या उस आईटीसी को यूटिलाइज कर पाया ठीक है जब आपने गुड्स खरीदे तो आपको जीएसटी पे किया होगा तो उसका आईटीसी अवेलमेंट तो आपने कर लिया ठीक है आपने ले तो लिया कि हाँ, मेरे पास क्रेडिट है लेकिन क्या उस क्रेडिट को यूटिलाइज आप कर पाए यूटिलाइज तो आप तभी करते हैं ना जब उन चिप्स को बेचते बेचने से कस्टमर से जीएसटी लेते वो जीएसटी आपकी आउटपुट लाइब्रिटी बनती उसमें से आपने जो भी आईटीसी लिया हुआ था उसको माइनस करते और फिर आप सरकार को पे करते तभी तो आईटीसी यूटिलाइज हो पाता दो चीजें होती है ना आईटीसी अवेलमेंट आईटीसी यूटिलाइजेशन पहली दो क्लासेस में किया था यह सब बहुत डिटेल में ठीक है तो दी आइडिया है सरकार कहती है कि आपने आईटीसी अवेल तो कर लिया ठीक है उसको यूटिलाइज किया नहीं तो हमारा तो लॉस हो गया

ठीक है तो मैंने ट्रांसफर नहीं किया लेकिन मैंने किसी और को बोल दिया कि भाई अब तू चला ले मेरे बिहाफ पर चला ले तो उस वाले बंदे को टैक्सेबल पर्सन डीम कर लिया जाएगा और उससे सरकार जीएसटी ले लेगी तब सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा ठीक है जी ये बातें हैं ये था आपका पैराफोर अब आ जाओ पैराफोर से रिलेटेड सवाल करते हैं कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेटर फॉर 50,000 रुपीस टू जी वेर एज इट्स थार अफ सर्विस ठीक है तो इसने एक गुड्स था उसने इसको, इसने उसको डिस्पोज ऑफ किया था ना तो इसमें पैरा वन ए में आ जाएगा ना यह आया ना गुड्स फॉर्मिंग ऑफ बिजनेस डिस्पोज्ड ऑफ तो सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एज पर पैरा फोर ऑफ शेड्यूल टू वन गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्डोज ऑफ अंडर द डायरेक्शन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्सर इन द प्रेजेंट केस एज वेल इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स सिंपल नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज यूजिंग कार Provided by the company for for personal purpose a a a consideration of 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 rupees is this a supply supply goods or a supply of services अब देखो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये जो para four b था वो actually logical था ठीक है इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ में आता है कि जो पैराफोर बी है वो लॉजिकल है और अब आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि किस टाइप केसेस होते थे मैंने जो आपको example दिया वो चिप्स का example दिया ठीक है तो अगर मैं चिप्स को पर्सनल पर्प के लिए यूज कर रहा हूं तब तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जा सकता था ठीक है समझो बात को अगर मैंने चिप्स अपना प्राइवेट यूज के लिए मैंने चिप्स खा लिए ठीक है तो मैंने चिप्स को कंज्यूम कर लिया प्राइवेट यूज के लिए तो क्या इसको सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा सकता था दी आंसर इज यस ठीक है लेकिन अब मेरा गाड़ियों का बिजनेस है मैं अपने किसी इंप्लॉय को कह रहा हूं कि जा ये वाली गाड़ी तू चला ले तो बिजनेस का जो स्टॉक है स्टॉक की एक यूनिट को मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं स्टॉक की एक यूनिट को मैं यूज करने के लिए दे रहा हूं तो क्या मैं इसको कि गुड्स मैंने बेचती है क्या मैं गाड़ी मैंने बेचती है? नहीं ना अभी आपको यह समझ में आ रहा होगा मतलब क्यों शेड्यूल दिया बट शेड्यूल टू ने स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं अगर आप अपने स्टॉक को पर्सनल यूज के लिए भी करोगे पर्सनल पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा ठीक है जी और थैंक यू सो मच कुणाल मित्तल थैंक यू थैंक यू सो मच वाटर ब्रेक वाटर ब्रेक ले लेते हैं वाटर ब्रेक ले लेते हैं आप एक काम करो आप इसका आंसर पढ़ो ठीक है तो एज पर पैरा फोर बी और शेड्यूल टू वेन गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस

Okay. So, as per para 4C of Schedule 2, goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person. In the present case, Arun is winding up the business. Any goods left in the stock shall be deemed to be supplied by him. This supply will be treated as supply of goods. Next, Mr. X and Mr. Y are running a

अब इसमें मजा आएगा शेड्यूल टू के पैरा पैराफाइव में कितनी एक्टिविटीज मेंशन है छह एक्टिविटीज मेंशन है ठीक है शेड्यूल टू के पैरा फाइव के अंदर छह एक्टिविटीज मेंशन है और छो की एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है एंड दिस इज वन ऑफ द मतलब ये जो छह एक्टिविटीज है ना इनमें वाकई बहुत डिस्प्यूट होते थे ये जो छह एक्टिविटीज हैं इनमें वाकई बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते थे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज तो समझना पैरा फाइव ए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो साफ साफ समझ में आ रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज ठीक है अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट करने के लिए दे रहे हो ठीक है रेंट करने के लिए दे रहे हो किराए पर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ सर्विसेज ठीक ये कॉमन सेंस वाला हो गया नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देर ऑफ नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सुनना मेरी बात कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप आप क्या कर रहे हो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ठीक है तो कंस्ट्रक्शन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया का भाई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ठीक है और बात वही है कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है लेकिन डिस्प्यूट पता ही क्या होते थे डिस्प्यूट होते थे कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कितना सारा उसमें सामान भी तो हो रहा है ना हम अगर आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें ईटा लगाना पड़ रहा है हमें सीमेंट लगाना पड़ रहा है हम पेंट करना पड़ रहा है बहुत कुछ करना पड़ रहा है तो हम आपको सिर्फ मकान बनाकर हम आपको ये सारी चीजें भी सप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो ये सारे डिस्प्यूट होते थे तो इन लोगों ने कहा कि सुनो मतलब डोमिनेटिंग नेचर देखो ठीक है आप डोमिनेटिंग नेचर देखो ना आप एक्चुअली क्या कर रहे हो आप ईटा बेच रहे हो क्या आप ईटा बेच रहे हो नहीं ना आप अगर हमें ईटा सीमेंट सब कुछ दे भी दोगे तो क्या मैं बना सकता हूं मकान नहीं ना तुम बना के दे रहे हो ना मेरे को तो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग आई एम नॉट द ईटा और पेंट पेन्ट सीमेंट। I आई एम पेइंग यू फॉर योर एक्सपर्टीज इन नोइंग कैसे आप ईटा और सीमेंट और ये सब चीजों को इस्तेमाल करके आप कंस्ट्रक्शन करो कॉमन सेंस ठीक है यही चीज हो गई। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग अम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अतल अगर मैं आपको बेचने के लिए भी बना रहा हूं तब भी क्योंकि मैं तो बना रहा हूं ना एकदम लॉजिकल क्लॉज है इसमें पता नहीं क्यों इतने लिटिगेशन होते थे मेरी तो समझ में नहीं आया कि कभी भी इतने लिटिगेशन हुए क्यों ठीक है और सर्विस टैक्स अगर आप लोग पढ़ लेते ना इसका तो माई गॉड इतना कॉम्प्लीकेटेड था इतना गंदा कॉम्प्लीकेटेड था अगर ऐसा होगा तो इतना परसेंट सेल ऑफ गुड्स मानेंगे इतना परसेंट सर्विस मानेंगे तो इतने पे वैट लगाएंगे तो इतने पे सर्विस चार्ज ओफ इतना गंदा था ये कंस्ट्रक्शन वाला जो मैं बता नहीं सकता आपको ठीक है इतने केसेस बनते थे अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा इसमें से सिक्सटी परसेंट सर्विस मानेंगे फोर्टी परसेंट गुड्स मान अरे पागल हो क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सर्विस दे रहे हो बात खत्म सीधी सी बात है ठीक है चलो जी देखो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर अट्ठार्टियर ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली एसेप्ट वेर हैज बीन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स आपको ऐसे लाइन पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगी मैं आपको समझाता हूँ सुनना मेरी बात सुनना मेरी बात एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूं <coughs> अच्छा। जगह ही नहीं है एग्जाम्पल देने की चलो ऊपर देते ठीक है मैं बात कर अरे लाग बाग आ गया क्या आई होप आई लाग नो नहीं नो लैग आई डोंट थिंक दिस एनी लैग ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड चलो ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू अरे मेरे फोन में लाग आ गया था ठीक है ऑल आइट देखते हैं मैं हूं निशान ठीक है और एक बंदा है कविन एक बंदा है कविन मैंने कविन से कहा कि कविन यार मेरे को ना मकान बनवाना है कविन एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है ठीक है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है कविन एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है।, है मैंने कविन से कहा कि कविन मुझे अपने रहने के लिए एक बड़ा आलिशान सा मकान बनाने मेरे पास बहुत पैसा है मैं करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूं तो मेरे लिए मकान बनाओ ठीक है कविन ने कहा ठीक है निशु भैया मैं आपके लिए मकान बनाता हूँ तो कविन ने अब मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया कविन ने मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ कविन जो है मकान का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जाहिर सी बात है कविन मेरे को सर्विस दे रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ठीक और ऑफ कोर्स ये सर्विस का नेचर ही ऐसा है कि यहां पर बहुत सारे ईटा बालू सीमेंट तो लगेगा ही लगेगा ठीक है कोई बात नहीं ठीक है अगर कव क्या कविन ऐसा कह सकता है कि भैया ये मकान बनाकर तो मैं आपको बेचूंगा ही बेचूंगा ये मकान बनाकर तो मैं आपको बेचूंगा ही बेचूंगा तो फिर इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस कहा मैं तो आपके लिए मकान बना रहा हूं और मकान बनाकर आपको बेच रहा हूं बात तो यही है मैं आपके लिए मकान बना रहा हूं और मकान बनाकर आपको मकान बेच रहा हूं तो सिर्फ <coughs> तो सिर्फ सर्विस थोड़ी प्रोवाइड की सिर्फ सर्विस थोड़ी प्रोवाइड की मैंने तो आपको मकान बेचा है तो सेल हो गया ना ये सर्विस थोड़ी हुई ठीक है तो इस टाइप के इश्यूज आते थे बट अगर आप अपने दिल से पूछो तो दिल से क्या आवाज आएगी भाई अगर खरीदना था तो कोई बना बनाया फ्लैट में ले लेता ना अगर मुझे खरीदना ही था तो इस एरिया में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तू ही बिल्डिंग बना सकता है आसपास कितनी सारी प्रॉपर्टीज है मैं कहीं से भी जाके खरीद सकता था मैं तुझसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पहले से पैसा देकर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं तू मेरे लिए मकान को कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं तो अध्यापक हूं मैं तो पढ़ाता हूं ठीक है तू मेरे लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो तू मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है राइट right? तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली ठीक है तो दो चीजें हो गई नंबर वन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देर ऑफ या तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इस कंस्ट्रक्शन में इवन इफ योर इंटेंशन इज टू अल्टीमेटली सेल द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी टू द बायर ठीक है सुनना मेरी बात इस कंस्ट्रक्शन में इवन इफ यू हैव द इंटेंशन टू सेल द कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी टू द बायर स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ ठीक है कॉमन सेंस नाउ दूसरा केस लेते हैं दूसरा केस लेते हैं कविन ने ऑलरेडी ये मकान बनाकर रखा हुआ था कविन ने ऑलरेडी ये मकान बनाकर रखा हुआ था मैं कविन के पास गया मैंने कहा कि यार मेरे को ना मकान बनवाना है तो कविन ने कहा कि भैया देखो बनवाने में बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं मेरा तो काम ही यही है ठीक है मैं मैंने कविन से कहा कि मुझे मकान बनवाना है कविन ने कहा कि बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मेरा तो काम ही है मैं बना दूंगा ठीक है लेकिन एक मकान अभी अभी बनाकर मैंने खत्म किया है आप एक बार आकर उसको देख लो एक मकान मैंने अभी अभी बनाकर खत्म किया है आप एक बार आकर उसको देख लो मैं गया मैंने ये मकान देखा मैंने कहा वाह बिना खिड़की वाला सिर्फ दरवाजे वाला मकान मुझे ऐसा ही मकान चाहिए ठीक है मैं जब गया मैंने कहा इसमें तो कोई खिड़की नहीं है लेकिन सिर्फ एक दरवाजा है ठीक है और ऐसी छत बिल्कुल एकदम सीनरी जैसा लग रहा है ये तो नेशनल आर्ट तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए राइट ये मकान बनकर कंस्ट्रक्ट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूं इसको लेने तो क्या ये कविन मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कविन मेरे को मकान बेच रहा है कविन मेरे को मकान बेच रहा है ठीक है कविन मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कविन मेरे को मकान बेच रहा है कविन मेरे, मेरे को मकान बेच रहा है इसमें सर्विस क्या हुई ठीक है सर्विस तो तब होती है अगर वो मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मकान बनाता यहां पर तो बना नहीं रहा है तो देखो एक्सेप्ट एक्सेप्ट दो पार्ट्स हो गए इनमें एक एक्सेप्शन आया एक्सेप्ट ट बाम्पिटेंट अथॉरिटी और मैंने रहना शुरू किया और पूरा का पूरा पैसा मैंने कविन को दे दिया ठीक है कविन ने जब ये मकान बनवाया तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कविन ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर लिया ठीक है देखो कविन कॉन्ट्रेक्टर है ठीक है अब यह कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है मकान बनवाना लेकिन इस मकान का डिजाइन वगैरह क्या होगा आर्किटेक्ट देगा ठीक है गवर्नमेंट के आर्किटेक्ट्स वगैरह होंगे गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल्स बोलेंगे हाँ हाँ ये एकदम सही है अब आर्किटेक्ट ने कहा कि हाँ दिस मकान इज एब्सोल्युटली कंप्लीट और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट उठाकर कब इनको दे दिया अब जैसे ये कंप्लीट हो गया तब तो ये अब सर्विस में नहीं रहा ना अब तो ये कंप्लीट हो गया अब तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई अब अगर मैं जाता हूं और इससे प्रॉपर्टी लेता हूं तब तो ये प्रॉपर्टी बेच रहा है ना तो यही वाली चीजें हैं दो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं सुनना अब समझना अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें ंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देर ऑफ इंक्लूडिंग अम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू दायर होली और पार्टली ठीक है ये दो पॉइंट आए एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये ये दोनों कह रहे हैं कि सर्विस है इनसे हमें भी पता चल रहा है सर्विस है एक्सेप्ट लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आपने पूरी कंसिडरेशन दी है सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद आपने पूरी कंसिडरेशन दी है तब भी क्या इसको supply of service मानेंगे नहीं आपके मन में सवाल तो सप्लाई मानेंगे उसके बारे में या नहीं है ठीक है तो अभी हमने कहा कि कंस्ट्रक्ट अगर कर रहे हो चाहे सेल करने के इंटेंशन से ही क्यों ना कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ठीक है उसके बाद मैंने डाला मैंने क्या डाला कि अगर मकान बनकर तैयार है

स ठीक है अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिए देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब बताने के लिए सरकार को एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है ऐसी जनता है हमारी द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स अडिशन ऑल्टरेशन रिप्लेसमेंट और रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर ठीक है और ये जो ये है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी

ठीक है तो दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स आप लोगों को याद है एक सेक्शन सेवन है ठीक है सेक्शन सेवन है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सेवन भी लिखा है उसको भूल जाओ हम बता रहे हैं कि एक शेड्यूल थ्री होता है और शेड्यूल थ्री में जितनी भी एक्टिविटीज लिखी है उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे तो शेड्यूल थ्री में ये लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज ठीक है तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेस तो जब भी आप मकान वगैरह खरीदोगे तो आपको उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी देखो Temporary ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और enjoyment ऑफ एनी intellectual प्रॉपर्टी राइट right. Intellectual प्रॉपर्टी राइट right क्या होता है Intellectual प्रॉपर्टी राइट right जैसे मेरे दिमाग में धासू साइडिया आया ठीक है मेरे दिमाग में एक धासू सा है आया ट्वेंटी 22 वाले स्टूडेंट्स कल जानेंगे ठीक है May 23 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कल की क्लास में आपको पता चलेगा वो मेरा धासू सा आइडिया क्या है ठीक है चलो अभी बता देता हूँ मेरा धासू सा आइडिया क्या है मेरा धासू सा आइडिया ये है कि एक मैं ऐसा कैमरा बनाऊ ठीक है एक में ऐसा कैमरा बनाऊ जिसके अंदर पंख हो ठीक है पंख हो और उसमें जीपीएस लगा हुआ हो हु, उसमें जीपीएस लगा हुआ हो हु, ठीक है उस कैमरे के अंदर वीडियो प्लेयर भी हो उस कैमरे के अंदर वीडियो प्लेयर भी हो और उस कैमरे के अंदर इन प्रोजेक्टर भी हो उस कैमरा के अंदर इन प्रोजेक्टर भी हो ये मेरा आइडिया है ठीक है तो अगर किसी गांव में कभी किसी को पिक्चर देखनी हो किसी गांव में किसी को पिक्चर वगैरह देखनी हो तो मैं वो वाली पिक्चर उस कैमरा में लोड कर दू फिर वो कैमरे में जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स डाल दू गांव के फिर वो कैमरा उड़ते उड़ते उस गांव में जाए और गांव में नीचे आ जाए और वहां पर ऑटोमेटिकली एक जगह पर खड़ा हो जाए एक जगह पर अपने आप टिक जाए और फिर उसके अंदर का प्रोजेक्टर चल जाए और सामने दीवार पर वो पिक्चर दिखा दे ये मेरा आइडिया है ठीक है अब ये मेरा आइडिया हो गया राइट अब ये आइडिया तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया अब हो सकता है कल को चलकर आप में से कोई बोल दे कि नहीं नहीं सर ये तो हमारा आइडिया था तो आपने हमारा आइडिया चुराया तो कैसे पता चलेगा मेरे दिमाग में जैसे ही आइडिया आया मैंने इसका पेटेंट करा लिया मैंने इसे पेटेंट करा लिया पेटेंट से ठप्पा हो गया ये पेटेंट का मतलब हो गया ठप्पा ये आइडिया मेरा है ठीक है अब कल को अगर कोई इस आइडिया पर काम करना चाहता है तो उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी ज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देख लो मेरी इंटेलेक्ट कितनी तगड़ी है ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई ये जो पेटेंट है ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई और अगर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार राइट right, मैं आपको दे रहा हूं तो क्या मैं आपको कुछ बेच रहा हूं क्या मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं नो no. मैं आपको सर्विस बेच रहा हूं तो देखो टेंपर ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये क्या हो गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया आगे देखा जाए डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन एडाप्टेशन अपग्रेडेशन एनहांसमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आई टी सॉफ्टवेयर ये ऐसा नहीं लग रहा थ्री इडियट्स में जो उसने किताबों की डेफिनेशन बताई थी इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिकॉर्ड एनालाइज समराइज ऑर्गेनाइज डिबेट एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन दैट इलस्ट्रेटिव नॉट इलस्ट्रेटिव हार्ड बाउंड पेपर बैक जैकेटेड नॉट जैकेटेड विद फोर टेबल ऑफ कंटेंट्स इंटेंट्स दट दैट आर इंटेंडेड फॉर द दिनलाइटमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन थ्रू अंडस्टैंड एन रिचमेंट एनहा विशन ट ठीक है ये मैं बस शो ऑफ कर रहा था कि मेरे को थ्री का वो बुक्स वाली डेफिनेशन याद प्रोग्रामिंग, आई टी सॉफ्टवेयर अब देखो इसमें क्या पंगा आया इसमें लोगों ने क्या बेवकूफियां करनी शुरू की मैं आपको बताता हूं ठीक है अब देखो आजकल इट्स वेरी इजी आजकल इट्स वेरी इजी एवरीथिंग इज डिजिटाइज ठीक है बट इनिशियली कई साल पहले ऐसा नहीं होता था कई साल पहले ऐसा नहीं होता था अगर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए और आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाना है तो ठीक है सपोज मैं विवेक के पास गया सपोज मैं विवेक के पास गया मैं विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ठीक है मैं विवेक से मिलने गया मैंने विवेक को बताया कि यार मेरे को ना एजुकेशन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो बना सकता है विवेक ने कहा भैया आपके लिए जान भी हाजिर है मैंने कहा जाननी चाहिए सॉफ्टवेयर बना सकता है नहीं ये बता ड्रामा मत कर विवेक ने कहा हाँ, भैया सॉफ्टवेयर बना दूंगा मैंने कहा तो बना दे ठीक है अब विवेक ने मेरी कस्टमाइजेशन मेरी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाया ठीक है तो ये सर्विस हुई ना मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर बना रहे ठीक डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन अडाप्टेशन अपग्रेडेशन एनहेंसमेंट इंप्लीमेंटेशन सर्विस है ना ठीक है बाद में विवेक विवेक थोड़ा सा सकपका गया गया पगला गया. विवेक, प्लीज डोंट माइंड आई एम वेरी सॉरी इफ यू आर फीलिंग ऑफेंडेड ठीक है कोई भी बुरा मत मानिएगा बाद में विवेक सक पका गया कहते नहीं भैया मैंने आपको सर्विस थोड़ी दी है मैंने तो आपको सामान बेचा है मैंने कहा कैसे विवेक ने कहा कि मैंने आपको सर्विस नहीं दी है मैंने आपको सामान बेचा है मैंने कहा कैसे विवेक ने कहा आपका जो सॉफ्टवेयर है ना अच्छा तब तो ऑनलाइन वाला सिस्टम इतना तगड़ा था नहीं कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको कई कई साल पुरानी बात ठीक है जब नेट इतना अच्छा नहीं चलता था जितना आजकल चलता है कई जगहों तो कई जगहों पर तो आज भी उतना अच्छा नहीं चलता है ठीक है तो बहुत पुराने जमाने की बात है विवेक ने कहा कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाया और एक सी में डालकर आपको दिया तो मैंने आपको गुड्स बेचे मैंने सर्विस थोड़ी दी मैंने आपको गुड्स बेचे ये लो सॉफ्टवेयर ये लो सॉफ्टवेयर पागल हो गया क्या सर्विस है ये ठीक है तो सरकार को क्लारीफाई करना पड़ा विवेक जैसे लोगों की वजह से सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा कि भैया डेवलपमेंट डिजाइन और उसके बाद वर्ड्स में खेलते थे ये लोग तो सरकार ने सारे वर्ड्स डाले डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन अडेप्टेशन अपग्रेडेशन एनहांसमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आई सॉफ्टवेयर ठीक है सप्लाई ऑफ सर्विस दूसरा नेक्स्ट लास्ट टू बचे हैं इसमें अग्रींग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ठीक है कोई एक्ट ना करना किसी एक्ट को बर्दाश्त करना या कोई एक्ट करना कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है अगर देवदास हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सके तुम्हें बर्दाश्त कर सके अगर देवदास तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है तो वो तुम्हें सर्विस दे रहा है समझे अगर देवदास तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है तो वो तुम्हें सर्विस दे रहा है अगर देवदास कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी तुम्हें सर्विस दे रहा है और अगर देवदास कुछ कर रहा है तो भी वो तुम्हें सर्विस दे रहा है तो अग्रीन टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट कुछ ना करना टॉलरेट एन एक्ट कुछ बर्दाश्त करना या टू डू एन एक्ट कुछ करना ये सब सर्विस है गुड सी है तो कॉमन सेंस है ना अच्छा लास्ट ट्रांसफर ऑफ राइट

ठीक है अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को करेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी आओ देखते हैं इज रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस कॉमन सेंस लगाओ रेंट कर रहे हो आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर पैरा फाइव एफ शेड्यूल टू रेंटिंग ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज अफ सर्विस देर फॉर रेंटिंग ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस नेक्स्ट is renting of precincts of a religious place a supply of goods or supply of services again precincts of a religious place precincts मतलब आसपास का एरिया या premises basically तो एक मंदिर के premises में अगर आप कुछ पंडाल लगाना चाहते हो ठीक है या फिर आप कोई जागरण रखवाना चाहते हो उसके लिए आप उसको रेंट करने के लिए दे रहे हो तो ये क्या हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विस तो प्रॉपर्टी का आप क्या कर रहे हो रेंट दे रहे हो रेंट पर रेंट uh, पर दे रहे हो सप्लाई ऑफ इज परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग या वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेस तो so आप यूज करने के लिए परमिशन दे रहे हो आप यूज करने के लिए परमिशन दे रहे हो सर्विस नेक्स्ट राठी बिल्डर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ वन पॉइंट टू करोड़ रुपीज पर यूनिट हर यूनिट के लिए वन पॉइंट टू करोड़ जिसने लिया है नाइनटी लाख रुपीज पर यूनिट वर रिसीव बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले ही

So, in the present case, part consideration was received before the competent authority issued the completion certificate and the balance consideration was received after the completion of construction. Therefore, this is a supply of services. Take. Next, Mr. X, a promoter, sells a flat in his new building to Mr. Y. Date of completion certificate is 11th March 2021. Part of the consideration is received on 10th March 2021. Batao. बताओ दो दिन बाद अगर दे देता तो सेल हो जाता दो दिन बाद अगर ये देता तो सेल हो जाता लेकिन 11 तारीख को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 10 तारीख को इसने थोड़ी सी दे दी पागल है ठीक है वैसे पागल क्या है इसको थोड़ी पता था कि कल मिलने वाला है अब जीएसटी लग जाएगा ठीक है तो इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो ये क्या हो गया आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेस हो जाता है क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट 11 मार्च को दिया और थोड़ा सा कंसिडरेशन उससे पहले भी मिल गया तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज आइए नेक्स्ट पिज्जा बेकर्स अलाउज द यूज ऑफ इट्स पेटेंटेड प्रोसेस टू डोमिनोज पिज्जा अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ 15 करोड़ रुपीज तो एक पिज्जा बेकर्स हैं इन्होंने डोमिनोज से कहा कि हम जैसे पिज्जा बनाते हैं हम आपको अलाउ कर रहे हैं आप हमें पंद्रह करोड़ रुपए दो ठीक है तो हमारा जो भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उससे उसको यूज करके आप भी अपने पिज्जा बना लो

ठीक है एकदम क्लियर मजा आ रहा है मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है मजा आ रहा है आप लोगों को मजा आ रहा है आप लोगों को शेड्यूल टू मस्त चल रहा है ना शेड्यूल टू अजीब अजीब सी चीजें अरे देखो पानी के ग्लास में मच्छर गिर गया तो फिर अब कैसे ऐसे फिर दूसरी वाली बॉटल से ऊपर से पीना पड़ेगा ठीक है <coughs> तो पैरा फाइव सी हो गया राइट right? चलो आ जाओ अ कंपनी पेज प्रोग्रामर्स टू डेवलप एन इन हाउस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ट्वेंटी अब देखो एक कंपनी ने प्रोग्रामर्स को पे किया एक कंपनी ने प्रोग्रामर्स को पे किया कि आप हमारे लिए एक इन हाउस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाइए डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर क्या हो गया सर्विस हो गया ठीक है तो एज पर पैरा फाइव डी ऑफ शेड्यूल टू डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन एडाप्टेशन अपग्रेडेशन एनहसमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आई टी सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विसक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस नेक्स्ट इधर केबल ऑपरेटर केबल ऑपरेटर सखाराम हैज एंटर्ड इन टू एन अग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर आत्माराम ठीक है ये सखाराम और ये है आत्माराम ठीक है अब देखो आत्माराम दैट सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शन सखाराम जो है ये केबल कनेक्शन दोनों केबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये भी केबल सर्विस प्रोवाइडर है ये भी केबल सर्विस प्रोवाइडर है लेकिन इन दोनों में एग्रीमेंट क्या हुआ है कि सखाराम विल नॉट प्रोवाइड केबल कनेक्शंस इन द स्पेसिफाइड एरियाज वेयर आत्माराम इज प्रोवाइडिंग द कनेक्शंस तो जहां जहां आत्माराम प्रोवाइड कर रहा है उन उन एरियाज में सखाराम प्रोवाइड नहीं करेगा क्या हो गया ये कुछ ना करने का अग्रीमेंट हुआ रिफ्रेन डूइंग समथिंग ठीक है ये क्या हुआ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग हो गया ना इज दिस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया ना बिकॉज ही इज रिफ्रेनिंग सखाराम और आत्माराम में क्या हुआ सखाराम और आत्माराम में एक

तो किसी दूसरे की कंपनी में जाकर काम करेगा और मुझे पता ही कितना तगड़ा काम करता है बंदा ठीक है तो दूसरे की कंपनी जो है वो तो मेरी कंपनी से एकदम तेजी से आगे निकल जाएगी अगर उसके पास मिस्टर एक्स होगा तो तो जेड ने एक्स से कहा कि तुम जो है दो साल तक इस इंडस्ट्री में आप काम नहीं करोगे जेड ने क्या कहा कि तुम दो साल तक इस इंडस्ट्री में और किसी कंपनी में काम नहीं करोगे तो जेड क्या कर रहा है रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग ठीक है मिस्टर एक्स क्या कर रहा है मिस्टर एक्स इज नॉट गोइंग टू डू समथिंग ट एन एक्टर इनकेस्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ठीक है तो इट इज्लाई ऑफ सर्विस डन आइए नेक्स्ट लेट डिलीवरी चार्जेस आर रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिप्यूलेटेड टाइम अब सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ठीक है मुझे कुछ सर्विसेस चाहिए थी मुझे चलो मकान बनवाना था राइट तो मुझे कविन से मकान बनवाना था मुझे कविन से मकान बनवाना था मैंने कहा था थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक मकान बना देना ठीक है कविन ने कहा था भैया हंड्रेड परसेंट हो जाएगा राइट लेकिन मकान बना पंद्रह सेप्टेंबर को मकान क्या बना पंद्रह सेप्टेंबर को तो क्या मेरा सप्लायर ऑफ सर्विसेस टाइमली मुझे सर्विसेस प्रोवाइड कर पाया नहीं इस चीज को मैंने बर्दाश्त किया कि नहीं किया इस चीज को मैंने बर्दाश्त किया मेरा ये जो सप्लायर है ये मुझे टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाया मैंने इसको बर्दाश्त किया बर्दाश्त करने के लिए मैंने इससे कहा तू मेरे को पैसा दे पेनल्टी दे या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसका ओवर टाइम का पैसा काट के दे दो या कुछ भी इस टाइप का तो जो आपने पैसा काटा है वो आपने क्यों लिया है पैसा वो आपने इसलिए लिया क्योंकि आपने बर्दाश्त किया ठीक समझो बात आपने बर्दाश्त किया

इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं यूजअली जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो ना ठीक है तो अब आप एक बार प्रैक्टिकली सोचो आप किसी कंपनी में आज काम कर रहे हो ठीक है आपने आज में आप महीनों से काम कर रहे हो ठीक है साल भर हो गया डेढ़ साल हो गया दो साल हो गया दो साल हो गया आपको काम करते हुए किसी एक कंपनी में ठीक है एक दिन अचानक से आप सुबह उठे आपने बॉस से कहा आज मैं आज से मैं नहीं आऊंगा ऐसे थोड़ी होता है ठीक है एक दिन आप अचानक से सुबह उठे और आपने अपने बॉस से कहा कि आज से मैं नौकरी पर नहीं आऊंगा मेरे को दूसरी जगह नौकरी मिल गई है तो दिस 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 नॉट 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 द द केस डन दिटन तो प्रैक्टिकली क्या होता है वेर एवर अ पर्सन ज्वाइन तो कंपनी उससे कहती है कि जब भी आप जॉब छोड़ने वाले होंगे तो आपको हमें कम से कम दो महीने का नोटिस पीरियड देना होगा दो महीने आपको हमें बताने दो महीने पहले आपको बताना होगा ठीक है जब भी आप छोड़ने के बारे में सोचोगे तो उससे दो महीने पहले आपको हमें बताना होगा हमें आप बता दो रेजिग्नेशन डाल दो आपका रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद भी दो महीने तक आप काम करो क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो हमें पास ऑन करना होगा ना किसी ना किसी नए इंसान को तो दो महीने का नोटिस पीरियड दो।, दो महीना तीन महीना एक महीना हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है नॉट एग्जैक्टली टू मंथ्स नॉट ऑलवेज टू मंथ्स ठीक है अब कई बार इंप्लॉय को बड़ी जल्दी होती है कहते हैं हम नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे क्या कहते हैं कि हम नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय नोटिस पीरियड सर्व करने से मना कर दे तो एंप्लॉयर को इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि नहीं ठीक है इंप्लॉयर को इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा बर्दाश्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं इंप्लॉयर्स मैं आपको बताता हूं इफ समबडी डू सर्व द नोटिस पीरियड द इंप्लॉयर्स चार्ज समथिंग फ्रॉम द इंप्लॉयज ठीक है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि आपने अपना नोटिस पीरियड बाय आउट कर लिया आपने अपना नोटिस पीरियड खरीद लिया ठीक है दो महीने आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहना पड़ता बट क्योंकि आप जल्दी जाना चाहते थे तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा दिया कि मैं नहीं करूंगा नोटिस पीरियड आपको जो भी नुकसान हुआ है ये लो पैसा रखो हमको जाए दो कोई तरह ठीक है तुम्हारी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हम काम समझो बात को बहुत दिक्कत होती है हमको. ठीक है वाली बात है तो अगर किसी इंप्लॉयी ने अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया तो नोटिस पीरियड सर्व ना करने के लिए वो इंप्लॉयर को कुछ पैसा देता है जिसको नोटिस पीरियड बाय आउट कहा जाता है तो ये हो क्या रहा है इंप्लॉयर जो बर्दाश्त कर रहा है तुम्हारी बदतमीजी उसके अगेंस्ट में तुमसे पैसा लिया जा रहा है तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेस हो जाता है

ठीक है पैरा पैरासिक्स में भी बहुत बहुत पंगा होता था बहुत पंगा होता था बहुत ही ज्यादा पंगा होता था ये कंस्ट्रक्शन और ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये दो चीजें थी जिनका ऐसा दिमाग खराब होता था सर्विस टैक्स में कितना गुड्स मानना है कितना ये मानना है क्या कंस्ट्रक्शन है क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है जीएसटी में आकर सब एकदम सिंपल कर दिया गया भैया कॉमन सेंस लगा दो सर्विस है ठीक है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज ठीक है कॉम्पोजिट सप्लाईज क्या होता है जहां पर एक से ज्यादा जहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है इसी क्लास के स्टार्टिंग में हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट सर्विसेज के बारे में बात की थी इसी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि शेड्यूल टू लाने की जरूरत क्यों हुई शेड्यूल लाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि कॉम्पोज सप्लाईज होती थी जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज ठीक है तो ये कुछ ऐसी कॉम्पोजिट सप्लाईज हैं जिनको बोला गया है कि भैया ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाएंगी तो देखिए सबसे पहला वर्क कॉन्ट्रैक्ट अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्लाई ऑफ माना जाएगा और दूसरा यही वो रेस्टोरेंट वाला सप्लाई बाई वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाट्स ऑफ गुड्स तो सप्लाई ऑफ गुड्स कौन से गुड्स बींग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन इंसान के खाने के लिए कोई भी अदर पदार्थ ठीक है तो फूड या एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजन और एनी ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन वाई क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन तो जीएसटी के परव्यू में है ही नहीं ठीक वेयर सच सप्लाई ऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो ये वही रेस्टोरेंट वाली बात हो गई जो क्लॉज बी है ये रेस्टोरेंट वाला है ठीक है और क्लॉज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अब ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन रिपेयर है। बेसिकली हम आपको बनाकर कुछ दे रहे हैं वो works कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे ठीक है तो works कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही हो रहा है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट वगैरह वगैरह तो यहां पर क्या हो रहा है आप कुछ ना कुछ ईटा बालू सीमेंट लगाकर कुछ बनाते हो और जो भी बनाते हो उसको दे देते हो कि भैया ये लो तुम्हारे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कौ, किया काम करने का ठीक है कॉन्ट्रैक्ट किया काम करने का इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया वर्क करने का ऑन सम इमूवेबल प्रॉपर्टी बल प्रॉपर्टी तो ये होता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे रेस्टोरेंट सर्विसेज हो इसको आप सप्लाई ऑफ सिंपल और उसके बाद लास्ट आता है आपका पैरा सेवन लास्ट आता है पैरा सेवन बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है ठीक है पैरा सेवन आता है सुनना सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स

एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है ठीक है, ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ठीक है उसके पास यहां पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, यहां पर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ठीक है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हर फ्लैट में एक एसी फिट करवा दिया हर फ्लैट में एक एसी फिट करवा दिया तो ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया ना वही लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अन इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो कि लीगली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है बस ऐसे ही है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो नहीं बोलते रहते कि हम इस पूरी सोसाइटी के है, के काहे हो तुम ठीक है यही है सेक्रेटरी का साइन चाहिए सोसाइटी के सेक्रेटरी भाग तुम्हारी ऐसी तैसी सोसाइटी के सेक्रेटरी अच्छा बड़ी अच्छी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऐसा बना देते हैं सोसाइटी के अंदर कहा बताई ठीक है भाई अपने अपने मजे ले लो कर लो कर लो पहले बड़े लोग करते होंगे ऐसा ठीक है तो हम इस पूरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट है क्या बात है वा, वाह वाह जी वाह क्या क्या उखाड़ लिया आपने जिंदगी में मजा ही आ गया आप इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए जिसका कोई लीगल एंटिटी है ही नहीं जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी है ही नहीं ठीक है भाई कोई बात नहीं अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के आप कुछ भी हैं एनी द पॉइंट इज कि अगर कोई अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसमें सब क्या एसी फिट करवा रही है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाता है ठीक इस हाँ. है इससे रिलेटेड आओ क्वेश्चन देखा जाए सेम क्वेश्चन है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर्स एट अ अल प्राइस इज दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो एज पर पैरा सेवन ऑफ शेड्यूल टू सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्स टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स देयरफॉर सप्लाई ऑफ एयर कंडीनर्स टू मेंबर्स बाय मेंब्ल्यू एज ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ठीक है अब देखो अब मजा आएगा मेरे को एक बात बताओ अगर ये अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब यही आर डब्ल्यू ए यही आर डब्ल्यू ए ये अपनी बिल्डिंग के फ्लैट में से सबसे कहती है अगर यही आर डब्ल्यू ए अपनी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट हैं उनसे कहती है कि सुनो कहा तुम लोग इंडिविजुअली अपना बिजली का बिल पे करने जाओगे कहा तुम लोग इंडिविजुअली अपना बिजली का बिल पे करने जाओगे ठीक है तुम अपने बिजली के बिल हमें दे दो तुम अपने बिजली के बिल हमें दे दो ठीक है तुम अपने बिजली के बिल हमें दे दो और हम तुम सबके बिहाफ पर बिजली के बिल बिजली डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे हम तुम सबके बिल बिजली डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे ठीक है और इस फैसिलिटी के लिए हमें थोड़े से पैसे दे दो छोटा सा इतो सा कमीशन दे दो एक बात बताओ क्या आरडब्ल्यूए ने अपनी सोसाइटी को कोई गुड्स प्रोवाइड किए क्या क्या RWA ने सोसाइटी को कोई गुड्स प्रोवाइड किए नहीं कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं किया ठीक है सर्विस प्रोवाइड की ना क्या इस सर्विस पर जीएसटी लगेगा क्या इस सर्विस पर जीएसटी लगेगा आपके दिल से आवाज आएगी हाँ आपके दिल से आवाज आएगी कि हाँ आरडब्ल्यू ए ने अपने मेंबर्स को बिजली का बिल पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की यानी सर्विस प्रोवाइड की उस सर्विस पर कंसिडरेशन भी आ गया तो मेड इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भी हो गया ठीक है सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज ये सब भी हो गया सर्विस भी हो ही गई और कंसिडरेशन भी हो ही गया क्योंकि कोई फीस चार्ज की थोड़ी सी फीस चार्ज की ठीक है लेकिन सवाल ये उठता है कई सारे लोग जो आपके मेरे जैसे लोग थे जिनका दिमाग शैतानी दिमाग चलता था उन्होंने कहा कि भैया लॉ में कहा लिखा है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेस टैक्सेबल होगा यहां शेड्यूल टू के पैरा सेवन में तो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात चल रही है

सरकार ने क्या कहा तुम सबकी ऐसी कम तैसी। सरकार ने कहा सुनो आज से ये जो पैरा सेवन है ये शेड्यूल टू में है ही ही नहीं सरकार ने क्या कहा कि जो पैरा सेवन है ये शेड्यूल टू में है ही नहीं कौन सा शेड्यूल टू कौन सा पैरा सेवन कब से आया जीएसटी एक्ट जीएसटी एक्ट आया फर्स्ट जुलाई 2017 से ना तुम यहां से हो ना हम ये मान लेंगे कि फर्स्ट जुलाई 2017 से ही फर्स्ट जुलाई 2017 से ही पैरा सेवन डिड नॉट एग्जिस्ट हम ये मान लेंगे काट दिया इसको हम ये मान लेंगे कि फर्स्ट जुलाई 2017 से ही पैरा सेवन डिड नॉट एग्जिस्ट तो इन लोगों ने कहा बल्ले बल्ले गुड्स पे भी छुट्टी गुड्स पे भी नो सप्लाई बल्ले गुड्स पे भी नो सप्लाई इन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी इन्होंने कहा ये जो सेक्शन सेवन था ना इसके अंदर सेक्शन सेवन वन था ना इसमें तीन थे ना ए बी और सी ए क्या था सेल ट्रांसफर बॉर्डर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल बी क्या था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज़ फॉर अ कंसीडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स फर्दर ऑफ बिजनेस सी क्या था एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन विल बी सप्लाई इवन वेन दे आर मेड विदाउट द कंसिडरेशन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए सरकार ने कहा सेक्शन सेवन वन के अंदर एक और क्लॉज हम इंसर्ट करने जा रहे हैं और यहां ए और बी के बीच में एक और क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया ए का सरकार ने किया क्या इसको हटा दिया इस पूरे को हटा दिया और ए सेवन वन के अंदर ए बी और सी था ए और बी के बीच में एक और क्लॉज इंसर्ट किया डबल ए और इस डबल ए में बताया कि अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन एन अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन टू इट्स मेंबर्स और वाई से वर्सा और वाई से वर्सा अब आरडब्ल्यू ए अपने मेंबर्स को कुछ दे या मेंबर्स आर डब्ल्यू ए को कुछ दे उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है क्या यह बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है दिस इज द अमेंडमेंट विच इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 22 टू एज वेल एज फॉर मे ट्वेंटी ऑफ कोर्स जो भी चीजें मैं यहां पर पढ़ाऊंगा मैं नवंबर 22 के लिए ही पढ़ाऊंगा कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है राइट right? तो ये जो डबल ए वाला मैंने आप लोगों को बताया दिस इज एन अमेंडमेंट कल मैंने जानबूझकर इस डबल ए को छुड़वाया था क्योंकि मैं बताना चाहता था कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या अगर मैं डायरेक्टली डबल ए बता देता ये सब ना बताता तो फिर उतनी फील नहीं आ पाती ठीक है तो फील लाने के लिए ये डबल ए का इंसर्शन ऐसे था कल कुछ लोग परेशान हो गए अरे डबल ए नहीं है क्या अरे डबल ए नहीं पढ़ाया कुछ लोग ये भी सोचोगे अरे आउटडेटेड पढ़ा रहा है टीचर ये टीचर को पढ़ाना नहीं आता अमेंडेड अमेंडमेंट तो पढ़ाता नहीं है पुराना पढ़ा रहा है कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कल की क्लास में कुछ लोगों ने सोचा ही था कुछ लोगों ने कल की क्लास के नीचे कमेंट भी किया था ठीक है इस टीचर को पढ़ाना थोड़ी आता है ये टीचर तो आउटडेटेड पढ़ाता है अमेंडेड थोड़ी पढ़ा रहे हैं है? में दो हजार बाईस का पढ़ा रहा है नवंबर के लिए पढ़ा ही नहीं रहा है अमेंडमेंट अमेंडमेंट गलती हो गई ड्रामेटिक इफेक्ट देना चाहता था ठीक है तो खैर ये पंगा था तो अभी क्या हो गया कि आप लोगों के एग्जाम के लिए नोवेबर ट्वेंटी टू एज एज मे ट्वेंटी थ्री टू टीच इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 22 ठीक है? शेड्यूल टू का पैरा सेवन हट चुका है शेड्यूल टू पैरा सेवन इज नॉट देयर इन लॉ एनी मोर आपके सिलेबस की बात नहीं कर रहा लॉ में ही नहीं है कानून में ही नहीं है और आज से नहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसका अमेंडमेंट कर दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब मान लिया गया है कि फर्स्ट जुलाई 2017 में ही कभी भी ये था ही नहीं और ये मान लिया गया है कि जो डबल ए वाला क्लॉज है ये फर्स्ट जुलाई 2017 से ही इसका पार्ट था फर्स्ट जुलाई 2017 से ही इसका पार्ट था ठीक है चलो जी तो अभी देखो इश्यू विद पैरा सेवन ऑफ शेड्यूल टू ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने दिया हुआ है पैरा सेवन ऑफ शेड्यूल टू स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इनकॉपोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अमर दे वॉज एन एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन अन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अम्बर Para 7 of Schedule 2 doesn't talk about the provision of services at all. Therefore, there was a confusion as to whether supply of services by an unincorporated association or a body of persons to its members is, a, is treated as a supply or not. This was a confusion. Okay?

और वो कोई भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन सप्लाई कर रहा है टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट और बाइसिवर्स फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो इसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा ज ऑल्सो बिन क्लैरिफाइड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटीन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स आप वाइड पर व्यू देख रहे हो कितना वाइड परव्यू आ गया इसका कि किसी भी लॉ में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एनी थिंग रिटर्न इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स आज के टाइम पर चाहे कोई भी और लॉ सिर्फ जीएसटी का लॉ नहीं चाहे कोई भी और लॉ हो उसमें चाहे कुछ लिखा हो कि नहीं नहीं ये तो सेम है अलग थोड़ी होते हैं ये तो सेम होता है हर लॉ में पहले का, 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 लिखा ही रहता था कि जो अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और उसके मेंबर्स अलग थोड़ी है ये तो सेम है इन्होंने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी सेम है तमाशा मचा के रखा हुआ है कॉमन सेंस के नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर है एक हम लोगों ने सप्लाई ऑफ गुड्स दे दिया तो तुम लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विसेज को लेकर चार पांच साल परेशान किया 2017 से चला तो 2022 में ये अमेंडमेंट आया है 2022 में 17 से लोगों ने दिमाग खराब करके रखा शुरू कर दिया तो, 17 से यार, हद है तो इन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की ऐसी की तेसी और एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन एंड द सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इंटर से शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन सच प्लेस टू अनदर ऑर्डर ऑर्डर ये आया लॉ क्या आपको ये बातें समझ में आ रही

ठीक है और अब देखो नई डेफिनेशन ऑफ सप्लाई सेक्शन सेवन की नई डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या हो गई सप्लाई इंक्लूड्स देखो सेक्शन सेवन वन ए डबल ए बी सी वन ए टू थ्री ये आपकी अब तीन स्लाइड तक चलेगी डेफिनेशन सप्लाई की डेफिनेशन अभी तक सप्लाई की डेफिनेशन दो स्लाइड तक चल रही थी लेकिन अब तीन स्लाइड्स तक चल रही है आपकी सप्लाई की डेफिनेशन देखिए जी तो सप्लाई इंक्लूड्स पार्ट ए तो वही है सेवन वन ए सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन ए क्या है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल डिस्पोजल मेड मेड और अग्री बी फॉर अ बाय अ पर्सन इन द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस

where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of section 71 they shall be treated either as a supply of goods or as a supply of services as referred in schedule 2 जो हमने आज किया है <clears throat> अब कल hopefully हम पूरा का पूरा 2 खत्म कर लेंगे और हम 3 भी खत्म कर लेंगे और फिर supply खत्म हो जाएगा कल फाइनली हम लोग सप्लाई खत्म कर पाएंगे लेकिन सप्लाई का चैप्टर नहीं खत्म होगा सप्लाई का चैप्टर तो खत्म होगा सैटरडे को ही ठीक है कल फ्राइडे को हम सप्लाई की डेफिनेशन खत्म कर पाएंगे सेक्शन सेवन हम लोग कल खत्म कर पाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ठीक <coughs> है उसके बाद मैंने आपको पहली क्लास में क्या बताया था यहाँ पर पहली क्लास में ये बात हुई थी ना <coughs> आ जाए मेरे भाई इतनी सारी स्लाइड्स है पहली क्लास में क्या बात हुई थी पहली क्लास में बात हुई थी जीएसटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ तो कल तो सप्लाई खत्म होगा फिर परसों सैटरडे को हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज होती क्या है ठीक है अरे बाप रे, क्या बात है मजा आ गया वाह, फ्लावर नहीं फायर भाई, भाई भाई क्या बात है मुक्ता वाह वाह क्या बात है सर ओपी सर क्या बात है मजा ही आ गया सर आप पर विश्वास है बाकी सब बकवास है क्या गीतांजलि थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर सीए पर क्लिक करना है सीए पर क्लिक करने के बाद सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करना है इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट प्लस करना यहाँ पर मेरा कोड डाल देना निश्चेन अप्लाई कर देना आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा ये आइकॉनिक के आफ्टर डिस्काउंट प्राइसेस ये लाइट के आफ्टर डिस्काउंट प्राइसेस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा धन्यवाद शुभ रात्रि